हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप आज फिर से एक नई लुक देखने के लिए रेडी होंगे। सो मैं आज कर रही थी एक पार्टी मेकअप और ये मेरी फ्रेंड ने रेफ़र किया था इनको और वो बोली थी कि आप इनका मेकअप करो, पार्टी के लिए जाना है इन्होंने। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट नाउ। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया फेस क्लीन करके, तो फेस मैंने ऐसे ही पेपर टॉवल से क्लीन कर लिया और उसके बाद मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। ये है एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र। एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र जो है मैं थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा लगा लेती हूँ ताकि कोई भी अगर ड्राई स्किन और ड्राई पैचेस हैं तो वो जो है उसके साथ थोड़े नॉर्मल हो जाएँ। तो मैं क्या करती हूँ, एज ए मास्क लगा लेती हूँ। सारे स्किन पर मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं, और इसे मैं थोड़ा सिट होने के लिए रख देती हूँ। तो ये मैंने लगाया और उसके फेस के ऊपर भी ऐसे मसाज कर दिया और उसके बाद मैंने जो है वो उस मेकअप स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है आईब्राउज़ के साथ। आईब्राउज़ के लिए मैं यूज़ कर रही थी ये वाला अनास्तासिया बवेरली हिल्स का आईब्राउ पोमेड। ये वाला शेड जो है वो है टॉप शेड है और इनके ऑलरेडी ही आईब्राउज़ जो है वो परफेक्ट थे। मेरे को नहीं लगता था कि इतनी ज़रूरत है हमें आईब्राउज़ करने की, तो मैंने सिर्फ जहाँ जहाँ भी गैप्स थे वहाँ वहाँ मैंने फिल कर दिया, ज़्यादा कुछ इतना नहीं किया आईब्राउज़ के लिए। तो मैं भी यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपको लगता है कि क्लाइंट के जो या फिर आपके फ्रेंड के या फिर अपने आईब्राउज़ को सिर्फ लाइटली ही फिल करें। और मैंने भी यहाँ भी वैसे ही किया कि जहाँ जहाँ भी गैप्स थे वहाँ वहाँ ही फिल किया, मैंने ज़्यादा कोई जोर नहीं डाला आईब्राउज़ को। तो आप देख सकते हैं सिर्फ मैं लाइट हैंडेडली फ्रंट में और जहाँ जहाँ गैप है वहाँ ही फिल किया है आईब्राउज़ को। उसके बाद मैंने किया आई मेकअप स्टार्ट, और आई मेकअप के लिए मैं यूज़ करी हुई ये एल्फ का कंसीलर ताकि जो आई के ऊपर डार्कनेस है वो ख़त्म हो जाए। और ऑल ओवर द लिड मैंने लगा लिया है और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा सा क्लीन अप करने के लिए आप ये वाला स्टेप कर सकते हैं, लेकिन आप स्किप भी कर सकते हैं, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इनकी ऑलरेडी आईब्रोज जो हैं वो शेप्ड थी। तो बेसिकली ये वाला स्टेप ज़्यादा ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आईब्रोज जो शेप नहीं बनाते उनको ही क्लियर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये फ्लैट ब्रश ताकि सारा कंसीलर इवनली सारे लिड पर लग जाए। और आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड पर ये सेम चीज़ कर ली। अभी हमने कंसीलर जो लगाया था उसको मैं ये ब्लेंड कर रही हूँ स्पॉन्ज के साथ। ये डैम स्पॉन्ज था, मैंने ये डैम स्पॉन्ज आज इसलिए यूज़ किया क्योंकि मेरे पास ब्रशेज़ जो थे वो वॉश करने वाले थे और मैंने चाहती थी कि मैं अपने वाले ब्रशेज़ ही यूज़ करूँ जो मेरे यूज़ हुए थे, इसलिए मैंने आज स्पॉन्ज यूज़ की। आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने सीधा ही डायरेक्टली स्पॉन्ज यूज़ कर ली। तो मैं इसके बाद कर रही हूँ ये ब्लैक कलर का काजल। बहुत ही स्मोकी सी इफ़ेक्ट की आइज़ कर रही थी तो इसलिए मैंने सबसे कंसीलर सेट नहीं किया। आप देख सकते हैं मैंने कंसीलर सेट नहीं किया, उनको बोला कि आप आइज़ क्लोज़ ही करके रखो ताकि मैं ऊपर काजल लगा सकूँ। अगर यहाँ पर आप आइज़ ओपन करेंगे ये वाले स्टेप पे तो आपका जो काजल है वो ऊपर हमेशा ट्रांसफ़र होगा। तो आप अगर ये वाला स्टेप कर रहे हैं तो हमेशा मेक श्योर करें कि आप कभी भी आईज़ ओपन ना करें काजल को, इसके लिए मैं ये ज़रूरी बता रही हूँ। तो इसको मैंने थोड़ा सा स्मच लुक देने के लिए इसको स्मच कर दिया ताकि कोई हार्श लाइन ना हो जाए। आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं, मैंने छोटा सा ये एंगल ब्रश यूज़ किया है और इसे थोड़ा सा स्मोकी सा करने के लिए थोड़ी ब्लेंडिंग कर ली है इसकी। हमारी ब्लेंडिंग हो गई थी तो इसके बाद मैं ये सेट कर रही हूँ डायरेक्टली। ये डार्क ब्राउन सी शेड है उसको उसके साथ मैं ये सेट कर रही हूँ। ये वाला बेसिकली ब्राइडल मेकअप भी कर सकते हैं, ब्राइड्स भी आज तक कल जो सॉफ्ट मेकअप मांगती हैं वो वही वाला सेम मेकअप आप कर सकते हैं। तो मैं ये क्या कर रही हूँ, जहाँ पर भी मैंने काजल लगाया था मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि आप मैं उसे डार्क ब्राउन के साथ सेट कर दूँ ताकि कोई भी अगर आईज़ ओपन करे तो ये हमारा ट्रांसफ़र काजल जो है वो ना हो, अच्छी तरह सेट हो जाए। तो मेक श्योर करना कि जब तक ये वाला स्टेप आप नहीं करते तो आप क्लाइंट की या फिर अपनी आईज़ कभी भी खोलेंगे नहीं। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, ऊपर वाले जहाँ पर ऊपर खाली स्पेस है मैं स्किन टोन के मैच वाला थोड़ा सा आई शेडो लगा रही हूँ ताकि ऊपर वाला कंसीलर जो है वो सेट हो जाए और इसके बाद मैं बोलूँगी कि अपनी आईज़ जो है वो ओपन कर लो। आप मेक श्योर करें, मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ
और ये वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो सेम स्टेप ही मैंने किया और ये देखो आप देख सकते हैं बहुत ही नाइस सा ब्लेंड आएगा एंड में। अब इसके बाद मैंने मिडल टोन का ब्राउन कलर लिया और उसके ऊपर ही मैं लगा रही हूँ ताकि उसकी भी स्मोकी इफ़ेक्ट आ जाए, कोई भी हार्श लाइन ना रहे। तो मैं ये बिगर फ्लफी ब्रश ले रही हूँ और क्या कर रही हूँ कि उसको ब्लेंड कर रही हूँ। ये देखो अभी उनको बोला मैंने आप आईज ओपन कर सकते हैं, तो इससे जो है वो बहुत ही सॉफ्ट सी लुक आती है। मेक श्योर करें आप मेकअप करते हैं तो हमेशा ब्लेंडिंग पर ध्यान दें, ब्लेंडिंग इज़ द की फॉर फ्लॉलेस मेकअप। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जिसको ब्लेंडिंग करनी आ गई उसको मेकअप करना आ गया। तो मैं साथ साथ में ये ऊपर तक लेके जा रही हूँ ताकि कोई भी यहाँ पे हार्श लाइन ना लगे और बिल्कुल स्मूथ सी फिनिश हो जाए। इतना सा हमारा आई मेकअप हो गया था तो मैं सीधा ही ऊपर बस ये थोड़ी ग्लिटर लगा रही हूँ गोल्ड, क्योंकि उनकी गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी थी तो मैं ऊपर मैंने उसे बिल्कुल लाइट सी शिमर लगाई है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाई है। आप देख सकते हैं मैं ज़्यादातर फोकस कर रही हूँ सेंटर ऑफ द लिड पे और वहाँ ही मैंने ज़्यादा ग्लिटर लगाई थी। तो मैंने उनसे पूछा था आपको ग्लिटर पसंद है, तो वो बोलते हैं आपको जो अच्छा लगता है वो आप लगा दें, तो मैंने इसलिए ये इतनी सी ग्लिटर लगा दी। आप चाहें तो आप प्रेस्ड ग्लिटर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आज सॉफ्ट सा मेकअप कर रहे थे तो आई थिंक दिस इज़ फाइन। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्रीज लैश लाइन के पास मैंने थोड़ा सा और डार्क ब्राउन शेड लगाया ताकि वो और डेप्थ मिल जाए उसको, और अगर ग्लिटर हमारी कुछ गिरी भी है तो वो रिमूव हो जाए। एंड इसके बाद मैंने किया है फाउंडेशन को मिक्स। फाउंडेशन मिक्स करने के लिए मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लिया नार्स का और उसमें डार्क कलर का कंसीलर जो है वो ऐड कर लिया। बाद में मैं मिक्स करके मैं लगा के देख रही हूँ कि हाँ भाई ये वाला हमारा मैच जो है वो फाउंडेशन हो गया है कि नहीं हो गया, तो हम मैं देख रही थी कि ये परफेक्ट हो गया है। तो इसके बाद मैंने ये फाउंडेशन लगा दिया पूरे फेस के ऊपर। ये देखो वो मेरे को पहले थोड़ा सा डार्क लग रहा था बट मैंने अब थोड़ा सा और लाइट किया तो ये देखो बहुत परफेक्ट हो गया है शेड मैच। तो आप भी ऐसे शेड मैच कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे शेड मैच करना भी पड़े तो आप मिक्स करके कुछ फिक्स कर सकते हैं। यही एक मेकअप आर्टिस्ट की पहचान है जो फाउंडेशन स्किन टोन के साथ में लगाए। मैंने बहुत सारे देखे हैं जो फाउंडेशन जो है वो बहुत ही लाइट कलर का लगा देते हैं तो वो बहुत ही अजीब सा लगता है। तो मैं ये ऑल ओवर द फेस पहले ब्रश के साथ लगा रही हूँ, उसके बाद मैं ये ब्लेंड कर दूँगी स्पॉन्ज के साथ। तो आप देख सकते हैं मैं ऑलवेज सेक्शंस में ही लगाती हूँ फाउंडेशन। इसके साथ क्या होता है हमारी जो फाउंडेशन जो है वो केकी नहीं होती है और ड्राई आउट भी नहीं होते। मैं कंसीलर जो है वो लगाना भूल गई थी तो मैं कलर करेक्शन के लिए ये पीची सी शेड का कंसीलर लगा रही हूँ और इसे भी ब्लेंड कर देंगे हम। ये देखो फाउंडेशन बहुत परफेक्ट मेरे को लग रहा है मैच हो गया था। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा फाउंडेशन मैच मैंने करके दिया। और इसके बाद मैंने आज ब्रश नहीं किया था क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि मेरे ब्रश जो है वो बहुत गंदे थे। तो आप देख सकते हैं ये सेम टेक्निक मैंने सभी जगह कर दी और इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगी जल्दी जल्दी से क्या क्या किया मैंने। फाउंडेशन लगाने के बाद मैं जो कर रही हूँ ये क्रीम ब्रॉन्जर यूज़ ताकि थोड़ी सी डेफिनेशन मिल जाए। तो ये बहुत मेरे को लग रहा है उनको नींद आ रही है कि क्या हो गया बट आई नो के थोड़ी बहुत तो मेरे को लग रहा है बोरिंग लगता है। ये देखो मैं कहाँ कहाँ पर घूम रही हूँ, कैमरे के आगे भी आ रही हूँ, मेरे को तो याद भी भूल गया कि मैंने कैमरा भी लगाया था। तो ये देखो मैंने डायमेंशंस के लिए लगा दी है क्रीम ब्रॉन्जर यूज़, और इसको भी ब्लेंड करने के लिए मैं सेम ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। सारा मेकअप मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही कर दिया था। तो बेसिकली आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। अगर आपने सीमलेस ब्लेंड लेना है तो आई थिंक ये स्पॉन्ज के साथ भी बहुत अच्छा आ जाता है। मैं जनरली यूज़ नहीं करती स्पॉन्ज तो मैं इधर उधर घूम कर भी मेकअप कर रही हूँ। ये देखो बहुत कुछ करना पड़ता है मेकअप के वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू टू हर के जो जिन्होंने डिसाइड किया कि मैं आपकी वीडियो के लिए मॉडल बन जाती हूँ। तो ये देखो वैसे ये मेरी फ्रेंड की फ्रेंड थी, इसने असली में पार्टी पे जाना था। तो ये देखो बहुत ही अच्छा सा ब्लेंड हो जाता है। ये LYS ब्यूटी का है ब्रॉन्जर स्टिक, तो इसे हम ब्लेंड कर लेंगे अभी स्पीड में।
तो इसके बाद लगाएंगे हम ब्लश। अभी क्रीम कॉन्ट्रोल हो गया हमारा, तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला थोड़ा सा एल्फ का है, ये वाला मीडियम पीच शेड में कंसीलर, और मैं ये हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ ऑल ओवर द फेस, ताकि हमारा जो 3D इफ़ेक्ट आ जाए फेस के। मैं ये वाला स्टेप हमेशा ब्लश लगाने से पहले कर देती हूँ, ताकि उतनी देर में कंसीलर जो है हमारा वो ड्राई आउट हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसके बाद मैंने ये कंसीलर, मैं ये ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत अच्छा सा ये कंसीलर भी ब्लेंड हो जाता है। ये वाला बहुत ही हाइड्रेटिंग है, उनकी भी स्किन वैसे ड्राई ही थी, तो इसलिए मैंने ये वाला कंसीलर यूज़ कर दिया। तो ये हम करेंगे ब्लेंडिंग। तो हमेशा आप आँखें ऊपर देखें, खोलें, वो क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब कि आप ऊपर देखें जब भी आप ब्लेंड कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी क्रीसिस जो है वो हमेशा कभी भी नहीं आती। तो जब भी आप कंसीलर को ब्लेंड करते हैं तो हमेशा ऊपर देखें, और उसके बाद सेट भी जब करते हैं तब भी ऊपर ही देखें। अभी मैं लगाया है मैंने ये क्रीम ब्लश, मैं पहले नहीं लगाया था, मैं शायद भूल गई बातों बातों में कि क्या हुआ, बट मैंने अब लगाया है ये क्रीम ब्लश। आई डोंट नो वॉइस ओवर करते करते मेरा गला क्यों दर्द कर रहा है, बट मैं हमेशा इसी टाइम पे वॉइस ओवर करती हूँ जब मेरे को नींद आ रही होती है, बट आई हैव टू डू, क्योंकि ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा मेरी पेंडिंग पड़ी हुई थी और मेरे को टाइम भी नहीं लग रहा था इसे एडिट करने के लिए। ये देखो बहुत ही अच्छा ये बेस मेकअप मेरे को लग रहा है, मैं तो ये डेफिनेटली शादियों पे यही वाला बेस मेकअप जो है वो करने वाली हूँ। तो ये देखो बिना सेट किए ही बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग हो गई है। तो इसके बाद अब मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ, ब्लेंडिंग कर ली है मैंने, अब मैंने किया है मैं, मेरे को लग रहा है कि मैं जब मैं सेटिंग कर रही थी अंडर आइज़ की, तो मैं कैमरा ऑन करना भूल गई, तो सॉरी फॉर दैट। मैंने बेसिकली वही स्टेप यूज़ किया कि जब आप कंसीलर जो है वो ब्लेंड करते हैं, सेट करते हैं, तो आप ऊपर देखो और ब्लेंड करो और सीधा ही पाउडर, लूज़ पाउडर लगा दो। तो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये वाला ब्लश और ब्रॉन्ज़र यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और ऑल ओवर द फेस लगा रही हूँ जहाँ जहाँ भी मेरे को ज़रूरत है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। और इसके बाद मैं लगाऊंगी ब्लश जो मेरा फेवरेट वाला ब्लश है वो लगाया था मैंने इसमें, आप देखेंगे। अभी सारे पाउडर प्रोडक्ट्स जो हमारे लग गए थे, तो इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैक का फिक्स प्लस, ताकि सारे जो पाउडर जो है वो मेल्ट डाउन हो जाएं, और अच्छे से जो है वो मैं फैन कर रही हूँ ऑन, ताकि अच्छे से वो ड्राई हो जाए। अभी हम कर रहे हैं आईज़ का मेकअप फिनिश। तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा पॉप ऑफ कलर दूँ अंडर आइज़ के ऊपर, तो मैं ये लाइलैक और पर्पल से कलर का आईलाइनर लगाया और उसको मैं सेट कर रही हूँ आई शेडो के साथ ही। इस ये वाला कलर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि उनका दुपट्टा का कलर था वो पर्पल था, तो मैं कुछ चाहती थी कि मैं कुछ कलरफुल करूँ,
बट इसलिए मैं ऊपर तो लगा नहीं पाई पर्पल कलर, तो मैंने सोचा कि मैं नीचे ही लगा लूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये वाला। तो मैं ये बेसिकली बोल रही हूँ उनको कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आई डोंट नो क्या, बट शी वॉज़ लाफिंग। इसके बाद जो मैंने पर्पल कलर का लगाया था काजल, उसको ही मैं सेट कर रही हूँ। उसका फ़ोन आ गया बीच में, तो मेरे को थोड़ा सा वेट करना पड़ा। इसके बाद मैं उन्हें बोला कि आप ऊपर देखो, और पर्पल कलर की मैंने ऊपर आई शेडो लगा दी, जिस पे भी मैंने काजल लगाया था। काजल मींस कि वो पर्पल कलर का आई पेंसिल था बेसिकली, उसको ही मैं सेट कर रही हूँ ताकि और पिगमेंटेड लगे। तो बहुत ही अच्छा ये पॉप अप कलर था। इसके बाद मैंने आईज़ को फिनिश करने के लिए मस्कारा लगाया ऊपर वाले लैशेस पे भी और नीचे भी। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट मेरे को लगता है मस्कारा लगाना, मेरे को तो अपने खुद के ऊपर भी लगाना डिफ़िकल्ट लगता है। तो उसके बाद मैंने फिनिश ऑफ करने के लिए लगा दी लैशेस। बहुत ही अच्छी लग रही थी लैशेस, बहुत ही नेचुरल सी लुक वाली लैशेस लगाई मैंने। लिप्स के लिए भी मैंने थोड़ा न्यूड ही रखा, वो बोल रहे थे कि न्यूड सा शेड ही चाहिए। तो सबसे पहले ये मैंने मॉर्फी का लिप लाइनर लगा दिया, वो शेड था शुगर पाई का, और बहुत ही प्रिसाइसली मैंने इनके लिप्स को लाइन किया। और उसके बाद मैंने लगाई है लिपस्टिक। मैं दिखाती हूँ आपको कौन सी लिपस्टिक लगाई मैंने। मैंने उन्हें बोला कि आप बोलो मत, क्योंकि ऐसी लिपस्टिक ख़राब होती है, तो उसे करेक्ट करने के लिए मैंने फिर ऊपर से स्पॉन्ज लगा दी ताकि वो मिस्टेक जो है वो छुप जाए। उसके बाद मैंने लगाया ये लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस भी ये भी मॉर्फी का ही था, और ये था इन शेड सैटिन। और मेरे को तो लग रहा है मैं सारा कैमरा ही यूज़ कर रही हूँ, तो ये प्रिसाइज होने के लिए मेरे को इधर उधर जाना पड़ा। तो मेरे को तो ये वाला मेकअप बहुत ही अच्छा लगा। तो आप मेरे को ज़रूर बताएं कि आपको मेकअप लुक कैसा लगा, और फाइनल लुक भी हम दिखाएंगे आपको दुपट्टा के साथ। ये हो गया हमारा मेकअप। तो वो भी देख रही थी अपना फाइनल लुक, एंड वो बोले कि उनको पसंद आया। तो बहुत ही अच्छा लगा ये वाला मेरे को लुक क्रिएट करने में भी, और आई डोंट नो व्हाट टू से, बट बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा सा एंड फिनिशिंग एंड्स के लिए मैं ये हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ इनर कॉर्नर में, ताकि थोड़ा सा आई जो है वो पॉप ज़्यादा हो जाए। सो ये है हमारा फाइनल लुक। आई होप यू गाइस लाइक इट, बहुत ही अच्छा लगा और शी वाज वेरी हैप्पी। तो हम मिलेंगे, ये देखो बहुत ही क्लोज़र लुक से देखेंगे अगर, तो बहुत ही अच्छे से सब कुछ ब्लेंड हो गया है। शी वाज हैविंग टेक्सचर ऑन हर स्किन, बट आप नहीं देख सकते, सॉरी आप नहीं बता सकते कि उनकी स्किन के ऊपर को ये है नेचुरल लाइटिंग के ऊपर तो कोई भी टेक्सचर है या नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ये वाला वीडियो बना के। मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।